अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास होंडा सीबी यूनिकॉर्न की बाइक है। इस बाइक में प्रॉब्लम आ गया है कार्बोरेटर में, तो देख सकते हैं सीबी यूनिकॉर्न मर्सिडीज की बाइक आपको देखने को मिल रही है। तो इसका जो पिस्टन असेंबली का पिन होता है दोस्तों, वो टूट गया है, तो हमने जब चेक किया तो अभी हम आपको इसका जो कार्बोरेटर है उसको चेंज करके दिखाएंगे। उससे पहले हम आपको जो पुराना कार्बोरेटर है दोस्तों उसमें इन्फॉर्मेशन दे देते हैं किस तरीके से प्रॉब्लम आ रखी है स्टार्ट करके भी, और पिन दिखाते हैं किस तरीके से टूटी हुई है। तो देख सकते हैं पिस्टन का जब हम ऊपर को साइड करते हैं दोस्तों, इसका जो पिन होता है स्लाइड पिन, देखेंगे आप टूट गया है। तो इसका पिन टूटने की वजह से दोस्तों इसमें मिसिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। जब हमारे पास आई तो हमने इसका जो पिस्टन असेंबली है इसको चेक किया, पिस्टन ऊपर करके देखा पिन टूटा हुआ है। तो अभी हम इस बाइक को दोस्तों स्टार्ट करते हैं, आपको इसमें प्रॉब्लम दिखा देते हैं। अगर पिन टूट जाता है दोस्तों तो आपको कितना खर्चा आता है, तो हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हम आपके लिए बाइक से रिलेटेड वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करते रहते हैं। तो फटाफट हम बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं और आपको प्रॉब्लम दिखाते हैं। बाइक देख सकते हैं दोस्तों, बाइक को स्टार्ट कर लिया गया है और इसका जो पिस्टन असेंबली है कार्बोरेटर देख सकते हैं प्रॉपर वर्क नहीं करता है। जब इसको हम पेचकस से उठाते हैं तो देखेंगे आप इसका रेस बढ़ जा रहा है। इसका जो पिन का काम है दोस्तों, पिन का काम होता है जब हम जितना थ्रॉटल लेते हैं उतना फ्यूल फेंकता है इंजन के लिए। तो इसका पिन टूटने की वजह से इसमें मिसिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो इसका जो प्रॉब्लम है दोस्तों, पिस्टन का पिन टूट गया है इस करके इसमें प्रॉब्लम आ रही है, और इसका जो पिस्टन असेंबली है इसमें भी बहुत ज़्यादा प्ले देखने को मिला जब हमने चेक किया। तो पिन आप देख सकते हैं टूटी हुई है। इसका जो पिस्टन है उसको हम आपको चेक कराते हैं, पिस्टन देख सकते हैं दोस्तों ऊपर साइड करेंगे और इसमें प्ले चेक करेंगे, काफ़ी प्ले देखने को मिल रही है पिस्टन में। तो इसका जो कार्बोरेटर है दोस्तों, कार्बोरेटर असेंबली को हम चेंज करेंगे और आपको दिखाएंगे कार्बोरेटर असेंबली अगर ख़राब हो जाता है तो आपको कितने रुपये का पड़ता है होंडा सीबी यूनिकॉर्न 160 का। तो दोस्तों फटाफट हम इसका जो कार्बोरेटर है उसको बाहर निकाल लेते हैं और आपको कार्बोरेटर में दिखाते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने कार्बोरेटर को बाहर निकाला, इसका जो पिस्टन असेंबली में से स्लाइड पिन होती है उसको बाहर निकाल लिया है। पिन देख सकते हैं दोस्तों टूट गया है। तो इसका जो पिस्टन असेंबली है दोस्तों, इसको आप अलग से परचेस करके डला सकते हैं अगर पिन टूट जाती है। तो अभी हम आपको इसका बोर चेक करा देते हैं। कार्बोरेटर पिस्टन का जो बोर है दोस्तों, देख सकते हैं आप कटा हुआ है, जहाँ पे पिस्टन चलता है वहाँ पे आप देखेंगे इसमें बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस आपको देखने को मिल रहा है। अगर इस तरीके से आपके बाइक के कार्बोरेटर में होता है दोस्तों तो आपको कार्बोरेटर चेंज कराना पड़ता है। तो इसमें पिस्टन देख सकते हैं हमने लगा लिया है और बिल्कुल आराम से ऊपर नीचे हो रहा है दोस्तों। और इसमें आप प्ले चेक करेंगे, प्ले बहुत ज़्यादा है इस कार्बोरेटर में। तो अभी हम इस कार्बोरेटर को चेंज करके आपको दिखाते हैं। तो इसमें आपने देखा दोस्तों, इसका पिन टूट गया है और कार्बोरेटर में जो पिस्टन है उसमें बहुत ज़्यादा साइड प्ले आपको देखने को मिल रही है। तो फटाफट दोस्तों हम कार्बोरेटर को चेंज कर लेंगे। तो हम आपको कार्बोरेटर का प्राइस दिखाते हैं। कार्बोरेटर दोस्तों हम ओरिजिनल डालेंगे होंडा कंपनी का। तो हम आपको कार्बोरेटर का जो बॉक्स है उसको दिखाता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास होंडा का जेन्युइन कार्बोरेटर पड़ा हुआ है सीबी यूनिकॉर्न 160 का। तो इसकी जो MRP है हम आपको दिखा देते हैं और पार्ट नंबर दिखा देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, इसकी जो MRP है 6128 रुपये आपको इसकी MRP देखने को मिल रहा है, होंडा का जेन्युइन कार्बोरेटर। और इसका जो पार्ट नंबर है दोस्तों, यहाँ पे आपको MRP और ऊपर आपको पार्ट नंबर देखने को मिल जा रहा है। तो अगर आपको कार्बोरेटर चाहिए दोस्तों यूनिकॉर्न का, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पार्ट नंबर का। तो फटाफट दोस्तों हम इस कार्बोरेटर को इंस्टॉल करते हैं बाइक में और आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। कार्बोरेटर की फिटिंग हमने कर ली दोस्तों, आप देख सकते हैं पुराना कार्बोरेटर को हमने निकाल कर न्यू चेंज कर दिया होंडा कंपनी का, जो कि आपको हमने इसकी MRP और पार्ट नंबर दिखा दिया दोस्तों। अब हम कार्बोरेटर देख सकते हैं फिटिंग कर लिया है इसमें थ्रोटल केबल वगैरह। तो पहले आपने देखा दोस्तों, जब हम इसको स्टार्ट करते थे तो इसका जो पिस्टन है कार्बोरेटर का प्रॉपर वर्क नहीं करता था, जैसे कि वर्क करना चाहिए बट ढंग से वर्क करता नहीं था दोस्तों। इसकी निडल टूट गई थी। अब हम आपको चेक करा देते हैं इसका जो निडल है आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो बाइक को स्टार्ट करते हैं, परफॉर्मेंस चेक कराते हैं इसका कार्बोरेटर का। स्टार्ट कर लेंगे दोस्तों बाइक को। तो देख सकते हैं चाबी को
ऑन करेंगे और बाइक को स्टार्ट करते हैं। इसका आप देखें कार्बोरेटर, पहले आपने देखा था दोस्तों बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में दिक्कत आ रही थी और मिसिंग करती थी बाइक। अब हमने न्यू कार्बोरेटर डाल दिया दोस्तों, बाइक स्टार्ट हो गई है। इसका परफॉर्मेंस देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है दोस्तों कार्बोरेटर का। तो चेक कराते हैं आपको थ्रॉटल लेकर। दोस्तों जो पिस्टन है, जैसे हम थ्रॉटल लेते हैं दोस्तों, जितना हम थ्रॉटल लेंगे उतना ऊपर हो जाता है कुछ इस तरीके से। तो आपने देखा दोस्तों बिल्कुल प्रॉपर काम करने लगा इसका जो पिस्टन है। पहले इसका पिन टूट गया था और पिस्टन भी खराब हो गया था, इस करके हमने इसका कार्बोरेटर असेंबली को चेंज कर दिया और इसका जो परफॉर्मेंस है दोस्तों कार्बोरेटर का बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। आपको देख सकते हैं दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको दिखाया कार्बोरेटर चेंज करके। जैसे कि आपने देखा दोस्तों, अगर होंडा यूनिकॉर्न का कार्बोरेटर ख़राब हो जाता है तो आपको 6128 रुपये इसकी MRP देखने को मिलती है और हमने आपको पार्ट नंबर दिखा दिया दोस्तों। तो इस वीडियो में इतनी था, अगर वीडियो आपको पसंद आए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।